Please subscribe my channel for more videos. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग में से जो लोग पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने DI में किसी दो चीज़ से ज़्यादा के लिए कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो क्या वो दोनों के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, राहुल प्रसाद ने कमेंट किया, अगर हमने दो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं तो क्या दोनों के लिए इंटरव्यू देने होंगे, तो नहीं, दोनों के लिए इंटरव्यू नहीं देने होंगे। जब आप वहाँ पर जाओगे दूसरे इंटरव्यू के लिए तो दूसरी लिस्ट में आपका नेम नहीं होगा, आप दूसरा इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। जिसने दो में भरा है, तीन में भरा है, वो सिर्फ एक ही इंटरव्यू अप्लाई कर सकते हैं। एक ही इंटरव्यू के मार्क्स आपके सभी इंटरव्यू में दिए जाएंगे, सेम मार्क्स आपको दिए जाएंगे इंटरव्यूज़ में। अब प्रांजल अपूर्वा ने कमेंट किया है, मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने दो कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था एंड रिटन टेस्ट पास हो गया है, बट इन दोनों का इंटरव्यू सेम डे सेम प्लेस एंड सेम टाइम है, तो मैं क्या करूं, मुझे दोनों इंटरव्यू देना है। आप देना चाहते हैं लेकिन दोनों इंटरव्यू आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि एक ही इंटरव्यू में आपका रोल नंबर होगा, दूसरे इंटरव्यू को आप नहीं दे सकते हो। मैंने जो पहले इंटरव्यू किया है वही आपका मार्क्स दूसरे इंटरव्यू में आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें।